मैं हूं एज के चम वर्ल्ड चैंपियन। अभी हाल ही में मैंने टोबास को हराया, लेकिन मुझे इससे भी पावरफुल ट्रेनर्स को डिफीट करना है। मैं ये सोच रहा था तभी मुझे कॉल आया प्रोफेसर ओक का। उन्होंने मुझे बताया कि रेड नाम का बंदा तुम्हारा वेट कर रहा है यूनोवा के पोकेमोन स्टेडियम में, वो तुमसे मुकाबला करना चाहता है। मैंने बोला, रेड? वो लेजेंडरी ट्रेनर, वो तो गायब हो गया था ना। तो प्रोफेसर ओक ने बोला, हाँ वही, मुझे नहीं पता वो अचानक से कैसे आया, तुमसे मुकाबला क्यों करना चाहता है, तुम जाओ उससे मुकाबला करो। मैं भी रेडी हो गया, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं स्टेडियम में गया, वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। 5 मिनट में मुकाबला शुरू होने वाला था। मैंने मेरी पोकेमोन टीम को भी चूज कर लिया था, लेकिन अचानक से मेरी नज़र गई टीवी के ऊपर। वहाँ पर मैंने देखा गिव अवे चल रहा है पोकेमोन टी शर्ट का। मैं काफ़ी खुश हो गया बिकॉज मुझे पोकेमोन की टी शर्ट की ज़रूरत थी। ये गिव अवे पोकेमोन गुरु जी एंड एनिमेटीज करा रहे थे। मैंने जल्दी से एनिमेटीज की वेबसाइट को देखा, यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन के टी शर्ट्स थे, काफ़ी अच्छे अच्छे। मैंने एक दो को बाई कर लिया, लेकिन मुझे यार एक कस्टमाइज वाला टी शर्ट चाहिए था जिसके ऊपर लिखा हो वर्ल्ड चैंपियन। वो मैंने कस्टमाइजेशन भी करा दिया है, तुम भी करा सकते हो, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैं जैसे स्टेडियम में गया, मैंने भेजा गेंगाल को। रेड ने बोला, बच के रहना, तुमने मेरे जैसा ट्रेनर आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। मैंने देखा कैसी बातें कर रहा है ये बंदा। लेकिन उसके आर्टिकुनो ने आते ही गेंगाल के ऊपर ब्लिजर अटैक किया और गेंगाल लड़खड़ाने लगा। मैंने बोला, गेंगाल डरो मत, बोलो विस्प का यूज करो। लेकिन आर्टिकुनो ने वापस अटैक को किया और यूज किया नॉकआउट अटैक का, जिसके कारण पैसा मेरा गेंगार फेंट हो गया। लिटरली 2 अटैक में मेरा गेंगार कहां से कहां चला गया। मैं डर गया था, बट मैं शक्ल पे मैं वो दिखाना नहीं चाहता था बिकॉज इतना पावरफुल आर्टिकुनो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा। बट मैंने देखा इसको हराने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने भेजा अपने चाइजार्ड को और आते ही पहले मैंने उसको कर लिया मेगा इवॉल्व मेगा इवोल्यूशन वाई के अंदर। रेड इसको देखकर हंसने लगा। रेड ने बोला, अच्छा एक चाइजार्ड, इसको तो मैं एक झटके में हरा देगा। आर्टिकुनो वापस आओ, जाओ चाइजार्ड। उसने भी अपने चाइजार्ड को मेगा चाइजार्ड एक्स में इवोल्व कर लिया और उसने बोला, दम है तो इसको हरा के दिखाओ। तो दोनों चाइजार्ड आपस में मुकाबला करने लग गए थे। मेरे चाइजार्ड ने फ्लेम थ्रोअर का यूज़ किया, बट उसके चाइजार्ड ने उसको डोज किया और ड्रैगन क्लो का यूज़ किया। मेरे चाइजार्ड ने भाई यार उसको बचने की कोशिश की, लेकिन भाई सब कुछ हुआ नहीं। मेरा चाइजार्ड थोड़ा सा मतलब जख्मी हो गया था, बट ये वाला चाइजार्ड जो था ना मेरा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, जानते होंगे तुम। तो यार ये चाइजार्ड को मैंने बोला सेस्मिक टॉस का यूज़ करो, और पहली बार रेड के चाइजार्ड को इतनी बुरी तरीके से किसी ने डैमेज किया और वो मेरा चाइजार्ड था। लेकिन दोनों चाइजार्ड एक दूसरे को देख रहे थे, घूर रहे थे, दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। तो दोनों पोकेमोन यूज़ करते हैं ब्लास्ट बर्न का और काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है और यार धुआं हटता है और मैं देखता हूँ मेरा मेगा चाइजार्ड वाई ज़मीन पर पड़ा हुआ है और मैं चूक गया था क्या कैसे। बट जैसे सामने से धुआं हटता है, मैंने नोटिस किया कि रेड का चाइजार्ड भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है। डेट्स मीन ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। मैंने रेड के चाइजार्ड के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और मेरे चाइजार्ड ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के भी मैच को ड्रॉ कर लिया, वो काफ़ी बड़ी बात थी। फिर मैंने भेजा अपने सबसे फेवरेट पोकेमोन को गार्चोम को। मुझे लग रहा था कि यार मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे हो रही है। बट कोई ना, मैंने ठान ली थी कि मुझे इस नक्चड़े रेड को गलत प्रूव करना है। मैंने मेरे गार्चोम को बोला ड्रैगन रस का यूज करो और ब्लास्टोइज ने हाइड्रो पंप का यूज किया। इस बार मेरे गार्चोम ने उस अटैक को डोज किया और यार ब्लास्टोइज को डैमेज कर दिया। तो यार उस एक अटैक ने ब्लास्टोइज को थोड़ा जख्मी किया, लेकिन फिर मैंने मेरे गार्चोम को बोला, गार्चोम यूज योर स्पेशल मूव ड्रैगो मीटियोर, और उस अटैक के कारण ब्लास्टोइज ने उसको बचने का ट्राई किया, लेकिन यह अटैक था जायंट ड्रैगो मीटियोर जिससे ब्लास्टोइज बच नहीं पाया और ब्लास्टोइज हार गया। फाइनली मुझे लग रहा था कि अब मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ, लेकिन ना, रेड ने बोला, इट्स टाइम फॉर माय सीक्रेट वेपन, गो लुगिया। मैंने बोला, हाँ हाँ इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। और मैंने भेजा ग्लेली को, इसके पास एडवांटेज है, अब दिखाता है एडवांटेज पावर। मुकाबला काफ़ी डेंजरस चल रहा था, लुगिया अपनी साइकिक पावर का यूज़ कर रहा था और ग्लेली अपनी आईसी पावर का यूज़ कर रहा था। मैंने ग्लेली को बोला यूज़ आइस बीम, लेकिन रेड ने उसको डोज किया और साइकिक का यूज़ किया। बट मैंने ग्लेली को बोला, ग्लेली ऐसे माहौल में डरना नहीं है, यूज़ योर स्पेशल अटैक ब्लिजार्ड। और लुगिया को थोड़ा बहुत लगा, लुगिया की एचपी भी गई, लेकिन लुगिया ने यूज़ किया
था अपने टोर्नेडो अटैक का, जिसके कारण मुकाबला काफ़ी कुछ डेंजर बन चुका है, मौसम बिगड़ चुका है और काफ़ी ज़्यादा तूफान आया। उसने हरिकेन का यूज़ किया और उस हरिकेन के कारण, तूफान के कारण ग्लेली पोकेमोन फेंट हो गया। मुझे पता चल गया था रेड को हराना है तो मुझे बच्चा गिरी कम करनी पड़ेगी और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और मुझे समझ गया था रेड ऐसा वैसा ट्रेनर नहीं है, अगर मैं हार गया तो वर्ल्ड चैंपियंस की इज्जत क्या रह जाएगी। मैंने मेरे ओरा को कंट्रोल किया और मैंने भेजा अपने स्वेलो पोकेमोन को, और रेड ने बोला लूगिया वापस आओ, जाओ विनसोर वापस, डिसएडवांटेज वाला पोकेमोन ये बंदा भेज रहा है और मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। स्वेलो ने अपनी स्पीड का यूज़ किया, एरियल अटैक किए विनसोर के ऊपर और विनसोर ने ग्रास मूव्स का यूज़ किया। मुकाबला चल रहा था लेकिन मैंने बोला स्वेलो वापस से एरियल एस का यूज़ करो, और विनसोर उधर सोलर बीम का यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सोलर बीम को आने में टाइम लगेगा। रेड ने विनसोर को ऐसे कैसे ट्रेन कर रखा है बे, उसके विनसोर का सोलर बीम अचानक से मेरे स्वेलो पे लगा और स्वेलो वहीं पे वहीं फेंट हो गया। भाई यार ये मुकाबले में हो क्या रहा है, मैं मेरे यार चेहरे पे डर को छिपा रहा था ताकि ऑडियंस को पता ना चले कि मैं डर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं कांप रहा था रेड जैसे पावरफुल बंदे से मुकाबला करते हुए। फिर मैंने बोला इट्स टाइम फॉर अगेन कारचोम्प, मैंने भेजा कारचोम्प को, कारचोम्प ने यूज़ किया ड्रैगो मीटियोर और उस अटैक से फाइनली विनसोर हार गया। मैं सोच रहा हूँ अगर कारचोम्प ना होता तो मेरा क्या होता। फिर रेड ने बोला जाओ लूगिया, मैंने बोला गारचुम को स्टोनेज का यूज़ करो, लेकिन लूगिया ने अपनी पावर दिखाते हुए गारचुम को भी डिफीट कर दिया। अब मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था बिकॉज मेरे पास बचा था ओनली एक पोकेमोन, तो जो कि था मेरा फाइनल पोकेमोन। मैंने बोला इट्स फाइनल टाइम गो इन्फर्नेप, इन्फर्नेप जैसे आया लूगिया ने एक्रोबेट्स का यूज़ किया और इन्फर्नेप को काफ़ी गुस्सा आया, मतलब इन्फर्नेप अपने गुस्से को काबू कर नहीं पा रहा था। इन्फर्नेप ने ब्लेज किक का यूज़ किया जिसके कारण लूगिया काफ़ी ज़्यादा हारने वाला था। तभी रेड बोलता है लूगिया यूज एक्सप्लोजन, मैं डर गया था और जैसे ही एक्सप्लोजन अटैक हो रहा था मैंने इन्फर्नेप को बोला इन्फर्नेप एक्सप्लोजन के ऊपर जाओ और सारी की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लो। और जैसे ही इन्फर्नेप ने एक्सप्लोजन की पावर को ऑब्जर्व किया उसकी ब्लेजेबिलिटी एक्टिवेट हो गई। ये ब्लेजेबिलिटी इन्फर्नेप की सबसे भयानक एबिलिटी थी, इसमें एक्सप्लोजन अटैक का गुस्सा भी था। फिर रेड बोलता है मेरे पास भी मेरा आखिरी पोकेमोन है और पहला पोकेमोन है गो आर्टिकुनो। दोनों पोकेमोन मैदान में आते हैं, इन्फर्नेप इस बार आर्टिकुनो को माफ करने के मूड में नहीं था। आर्टिकुनो जैसे आया उसने यूज किया आइस बीम का, लेकिन आइस बीम जैसे ही अपने इन्फर्नेप के ऊपर आई आइस बीम पूरी तरीके से मेल्ट हो गई और इसने बोला इट्स टाइम फॉर माय सीक्रेट वेपन इन्फर्नेप यूज क्लोज कॉम्बैट। जैसे ही अटैक एक दूसरे को लगे काफी माहौल काफी गर्मा गर्म हो गया था, लेकिन ये रेड का आर्टिकुनो था, ऐसे हारने वालों में से नहीं था। रेड के आर्टिकुनो ने वापस ब्लिजार्ड यूज किया और इसके कारण अपनी इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी थोड़ा बहुत कम हो रही थी, लेकिन इन्फर्नेप ने फ्लेयर ब्लिट्स यूज किया और आर्टिकुनो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन रिकॉइल के कारण इन्फर्नेप की एचपी भी काफी कम हो गई थी। फिर मैंने बोला इन्फर्नेप को इन्फर्नेप यूज फ्लेयर ब्लिट्स, जिसके कारण अपना आर्टिकुनो नॉकआउट हो गया, लेकिन इन्फर्नेप भी नॉकआउट होने वाला था, ओनली वन एचपी बची थी और इन्फर्नेप भी जीत गया। ये मुकाबला मैं हारते हारते बचा, लेकिन मुझे समझ में आ गया था ये रेड है, इसको हराना काफ़ी मुश्किल है। तभी मैंने रेड को बोला वाओ तुमने मुझे हैरान कर दिया। रेड ने बोला तुमने भी अच्छा मुकाबला किया, तुम्हारी खुश नसीबी है कि मैंने मेरे सुपर सीक्रेट वेपन को यूज़ नहीं किया, और मैंने नेक्स्ट टाइम ठान ली थी कि मैं इसको डिफीट करूंगा, इसके सीक्रेट वेपन म्यूटू को भी डिफीट करूंगा। और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर से करना, एनिमेटीज की वेबसाइट को भी जरूर से देखना, एंड बाय बाय, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।